हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनुराधा अग्रवाल। आज मैं आपको दिखाऊंगी ये जेड का छोटा सा प्लांट जो मैंने एक महीने पहले ही इसकी कटिंग इसमें लगाई थी, और ये मुझे अब ऐसा लग रहा है इसमें रूट्स आ गई हैं। मैंने ये खाली सैंड में इसमें लगाई थी इसकी कटिंग। आज मैं सोच रही हूँ मैं इसकी मिट्टी चेंज कर दूँ और इसमें कुछ कंपोस्ट डाल दूँ ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। तो देखते हैं इसमें से कितनी रूट्स निकली हैं। मैंने ये दो तीन कटिंग लगाई थी, एक ये कटिंग थी जो कि ख़राब हो गई है। तो आपकी हर कटिंग सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट आप कुछ कटिंग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए इसमें से रूट्स आ गई हैं, बहुत छोटी रूट्स हैं बट आ गई हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा रूट्स नहीं है, पर धीरे धीरे जब आप इसमें कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो इसकी रूटिंग और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। मैंने सिर्फ सैंड में ही लगाई थी, तो आज मैं इसको मिट्टी इसकी चेंज कर दूंगी। इसमें थोड़ी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला देंगे। देखिए मैंने ये सैंड ले ली है, थोड़ा सा कोकोपीट ले लिया और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट ले लिया। हम इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, मैं इसी में इसे लगाने वाली हूँ। और मैंने इसमें, मैं आपको बता दूँ, मैंने कोई भी इसमें रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया था, ना ही मैंने कोई हनी यूज़ किया था, और शायद इसलिए इसकी रूट्स काफ़ी कम डेवलप हुई है। फिर जब आप इसे इस तरह से कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट में मिला कर लगाएंगे तो इसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ हो जाएगी। ये देखिए मैंने ये सारी इसमें सोइल का मिक्सचर इसमें डाल दिया है और इसे लगा दिया। अब हम इसे पानी दे देंगे और दो तीन दिन इसे धूप में नहीं रखना है, दो तीन दिन इसे धूप में ना रख के अंदर ही रखना है, और उसके बाद हम इसे धूप में रखेंगे। वैसे भी बारिश का मौसम है, मानसून का सीज़न है, तो धूप आ ही नहीं रही है काफ़ी टाइम से, तो ये आसानी से ग्रो हो जाएगा। वैसे भी बारिशों में काफ़ी ईजिली हमारे प्लांट्स लग जाते हैं, प्लांट्स की कटिंग भी लग जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, और कमेंट लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।